भीकनगांव नगर परिषद के बंद पड़े सीएमओ कक्ष का बुधवार को कलेक्टर के आदेश के बाद अध्यक्ष दीपक ठाकुर, प्रभारी सीएमओ मनोज गंगराड़े, पार्षद प्रशांत भालसे सहित कर्मचारियों की उपस्थिति में ताला तोड़ा गया। गौरतलब है कि पूर्व सीएमओ माया मंडलोई के तबादले के बाद ही उक्त कक्ष बंद था, जिसकी चाबी के लिए कई बार परिषद द्वारा उनके पत्र लिखकर मांग की गई थी, मगर पूर्व सीएमओ द्वारा चाबी नहीं होने पर ताला खुला होने की बात कही गई। नगर परिषद अध्यक्ष दीपक ठाकुर और सीएमओ मनोज गंगराड़े ने बताया कि कक्ष में कई महत्वपूर्ण योजनाओं के दस्तावेज होने और कार्य प्रभावित होने की दशा में हमने कलेक्टर साहब से आदेश से आज ताला तोड़कर पंचनामा बनाया है। भीकन गांव से शक्ति धनगर की रिपोर्ट। ओके रेडी। ये आज सीमो पक्ष के ताले को तोड़ा गया और फाइलें निकालने की क्या मामला है? यहाँ हमारी पूर्व सीएमओ श्रीमती माया मंडलोई के द्वारा, माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा हमारी शिकायत के आधार पर उनको खरगोन परियोजना में अटैच करा था और 22 अप्रैल को हमने रिव्यू भी कर दिया था उनको, और 22 अप्रैल से लेकर आज दिनांक तक के इस सीएमओ गेट का ताला लगा हुआ था, जिसे आज हमने पंचनामा बनाकर इस पर कार्रवाई करते हुए पंचनामा बनाकर हमने इसे ताले को तोड़ा इस दरवाजे, और इस सीएमओ कक्ष के अंदर इस अलमारी के अंदर आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की फाइलें, जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास इस सब पूरे हितग्राहियों की फाइलें इस अलमारी के अंदर थी, और इसके अलावा बहुत सारे निर्माण कार्य शहर के हमारे महत्वपूर्ण जो निर्माण कार्य थे उनकी फाइलें भी इस अलमारी के अंदर हमने आज के बाहर निकाली है। ये आज सीमो कक्ष का ताला तोड़ा गया तो किसके आदेश से तोड़ा गया? जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया, कल मैं कलेक्टर साहब से मिलने गया था, उन्होंने कहा कि जब मेरे आदेश से आप प्रभारी सीमो आपको चार्ज दिया गया है तो आप उसका ताला तोड़ें और उसमें जो अलमारी में अलमारी का भी ताला तोड़ें और उसमें जो फाइलें हैं उसमें अग्रिम कार्रवाई जो भी होना है वो करें, ताला तोड़ दें। उसमें तो पूर्व में क्या मतलब ताला लगा हुआ था तो आपको? हाँ, पत्राचार किया था माया मंडोई में हमसे, और उन्होंने कहा कि ताला खुला है, गेट खुला है, जबकि बंद है, गेट बंद था, आज तोड़ा गया उसको और अलमारी भी खोली गई, अलमारी का ताला खुला हुआ था। किन किन से विभागों की आपको फाइलें मिली और जिससे के काम अवरुद्ध हो रहा था? इसमें बहुत सारे निर्माण कार्यों की, प्रधानमंत्री आवास, कुछ सप्लायरों की भी फाइलें इसमें थी, जो लोग बहुत बार बार पेमेंट के लिए बोल रहे थे, इस स्थिति में फिर जो है वो कैलकुलेटर साफ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।